नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो हारने वाली पार्टी सर पकड़ कर बैठ जाती है। सर पकड़ कर बैठ तो नहीं जाती जीतने वाली पार्टी, लेकिन फिर भी सर पकड़ लेती है, क्योंकि जब वो नतीजों को गौर से देखती है सीट बाई सीट, तो पता लगता है कि कुछ सीटें 1000 वोट के अंतर से हारी गई, कुछ में 1500 से हार हुई, किसी में 200 से 300 से में हार हुई। तो पार्टियों को लगता है कि काश अगर उम्मीदवार बदल लेते, काश जातीय समीकरण ठीक कर लेते, काश उस इलाके के धार्मिक नेताओं, सामाजिक क्षेत्र के जो प्रभुजन है उनका सहारा ले लेते, थोड़ा सा चुनाव प्रचार में जोर लगाते, तो चीजें बदल जाती। और जब नजदीकी का मुकाबला हो तो मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता। जैसे हम गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात के चुनाव में 57 ऐसी सीटें हैं, 182 में से 57 सीटें, 57 यानी 1/3 सीटें, करीब करीब 33% सीटें, यानी हर तीसरी सीट, मोटे तौर पर गुजरात की हर तीसरी सीट ऐसी है जिसमें पिछली बार हार जीत का मार्जिन 5% या 5% से कम रहा। इसमें से भी 35 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5000 से भी कम रहा था, तो इतना नजदीकी का मामला था। और ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन 57 सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। इन 57 सीटों में से ज्यादातर सीटें जो जीतेगा वो चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी इन 57 सीटों में अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीती तो बीजेपी बहुत आराम से 100 सीटें पार कर जाएगी। कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती तो कांग्रेस पिछली बार के 77 को अभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और अगर आम आदमी पार्टी जीती 57 में से ज्यादातर सीटें, तो आप मान सकते हैं बल्ले बल्ले होगी, हो सकता है दूसरे नंबर पर आ जाए। तो कहानी यह है कि इन 57 सीटों में से पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती, इससे 5 सीटें ज्यादा कांग्रेस ने जीती थी, 30 सीटें, तभी वो 77 पर पहुंच पाई थी। और 2012 के चुनाव को देखा जाए तो 51-52 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5% मार्जिन से भी कम था। तो इसका मतलब है कि गुजरात की इन 57 सीटों पर तीनों पार्टियों की नजर है और ये 57 सीटें गुजरात के चुनाव का आधार बनने वाली है, हम ये आसानी से कह सकते हैं। अब तैयारी क्या हो रही है? बीजेपी जातीय समीकरण पर ध्यान दे रही है, बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है, बीजेपी पन्ना प्रमुख अर्ध पन्ना प्रमुखों की भूमिका और सक्रिय भूमिका पर ध्यान दे रही है। बीजेपी इसके साथ साथ उन सीटों के जो धार्मिक नेता हैं या जो सामाजिक क्षेत्र के नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सहारा ले रही है। कांग्रेस नुक्कड़ सभाएं कर रही है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, पान की दुकानों पर, चौपालों पर, आसपास के जैसे मॉल के आगे कर दी, कहीं छोट चौराहे के पास में कर दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय पर पहुंचा जा सके और आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जा सके। और आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर यानी दरवाजे दरवाजे जाने का फैसला किया है। इन 57 सीटों पर आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इतना दिलचस्प हो गया है चुनाव, जो बताता है कि कितना नजदीकी मामला हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के पक्ष में तमाम सर्वे आने के बावजूद बीजेपी इन चुनाव को आसानी से नहीं ले रही और पूरी मेहनत कर रही है। अब देखिए कुछ सीटों का गणित आपको मैं बताता हूं, बड़ा दिलचस्प है। 2017 में बीजेपी ने छोटा उदयपुर, तलेजा, मुडासा, बापूनगर, जैतपुर, करजन, ऊना, ये वो हार गई थी 4000 से भी कम वोटों के अंतर से, यानी यहां पर कांग्रेस जीत गई थी 4000 से भी कम वोटों के अंतर से। इसी तरह दभोई, विजयपुर, हिम्मतनगर, फतेहपुरा, ढोलका, पोरबंदर से भी और भी कुछ और सीटें थी जो बीजेपी 3000 या उससे कम वोटों से जीती थी, इतना नजदीक का मामला था। 2017 में कापरडा एक शेड्यूल ट्राइब की सीट है, आदिवासी जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, जहां पर बीजेपी हारी थी
170 वोटों से, कांग्रेस के जीतू चौधरी जीते थे सिर्फ 170 वोटों से। फिर बाद में 2020 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव बीजेपी ने 47,000 वोटों के अंतर से जीत लिया। और इस सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत की थी आचार संहिता लागू होने के बाद, और यही सीट से उन्होंने नारा दिया था। नारा आपको ध्यान है, आ गुजरात मैं बनाऊं छे, ये गुजरात मैंने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री की नजर इन 57 सीटों पर है। इसी तरह एक और सीट है गोधरा की सीट, सी के राहुल जी, वो जीते थे 258 वोटों से। वो बीजेपी में आए थे 2017 में और 258 वोटों से जीते थे। उससे पहले कांग्रेस में थे, तब वो 25,000 वोटों के अंतर से जीतते थे। अब उनका टिकट इस समय थोड़ा विवाद में भी रहा था, जबकि वो आपको ध्यान होगा कि बिल्किस मामले में जो रेप केस के आरोपी थे, आरोपी क्या जो अपराधी थे, उनको जो छूट दी गई जेल से, वो जल्द रिहा हुए, तो रिहा करने वाली कमेटी में ये विधायक महोदय भी शामिल थे। लेकिन पार्टी ने इन्हीं को टिकट दिया क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि नजदीके मामले में जीत सकते हैं तो अपने जीत का अंतर को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप कुछ और सीटों की बात करते हैं, जैसे बीजेपी की नजर ऐसी कुछ सीटों पर है जहां वो बहुत कम जीत से हार अंतर से हारी या जीती थी, जिसमें ढोलका, ढेगाम, मानसा, लूनावाड़ा, नानोड, तलाजा, विजयपुर, हिम्मतनगर, पोरबंदर, गरियाधर, खंबात, फतेहपुर, ढभोई, ये एक सीटें हैं। एक और सीट है जैसे कि जम जोधपुर नाम की एक सीट है, जहां पर बीजेपी के चिन्मय शापरिया पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी उनको टिकट दे दिया गया। इसलिए दे दिया गया क्योंकि ये 2007 में भी हारे थे, लेकिन 2012 में जीते थे और 2012 में ठीक ठाक अंतर से जीते थे, और 2007 और 2017 में मामूली अंतर से हारे थे। तो इनके खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार बड़ा मजबूत खड़ा है, तो बीजेपी को लगा ऐसे मजबूत उम्मीदवार का जो मुकाबला है उनका ऐसा उम्मीदवार कर सकता है जो कम से कम पिछले 3 चुनावों में 1 चुनाव मजबूती से जीता हो। तो देखिए किस आधार पर चीजों को देखा और परखा जा रहा है। अब जो चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि आम आदमी पार्टी आ गई है, इसलिए इन 57 सीटों पर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यानी जो 5% मार्जिन से ये सीटें हारी गई थी, जीती गई थी, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी के आने की वजह से हो सकता है कि 2% या 3% के मार्जिन पर सीटें हारी या जीती जाएं, क्योंकि जितना वोट पिछली बार बीजेपी को मिला, जितना वोट कांग्रेस को पिछली बार मिला, उतना नहीं मिलने वाला, क्योंकि 57 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगा रखा है, और इन 57 सीटों में से कुछ सीटों पर वो कांग्रेस का कुछ वोट ले गई, कुछ सीटों पर वो बीजेपी का वोट ले गई, कुछ सीटों पर दोनों का कुछ कुछ वोट ले गई, तो उसके खाते में तो सीट नहीं जाएगी, ये तय है, वो तो सीट बिल्कुल नहीं जीतेगी, लेकिन वो बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक का खेल जरूर खराब कर देगी। तो मुकाबला इस कदर दिलचस्प, इस कदर कांटे का और इस कदर नजदीकी का गुजरात में हो गया है, यानी 57 सीटों पर आकर गुजरात का चुनाव एक तरह से टिक गया है, सिमट गया है ना, अपने आप में एक दिलचस्प बात, भारतीय लोकतंत्र की वैसे ये खूबसूरती भी है। चलिए शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।